जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने मद महेश्वर जी की यात्रा पूरी कर ली थी, उसके बाद हम ऊखी मठ आए और हमने ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन किए, जहां केदारनाथ जी और मद महेश्वर जी की सर्दियों में पूजा की जाती है। इसके बाद हम बद्रीनाथ जी के दर्शन करने पहुँचे। हम माफी चाहते हैं कि कुछ कारणों की वजह से वीडियो लेट आ रहा है। खैर, हमने बद्रीनाथ जी के कपाट बंद करवाए। इस वीडियो में आपको हम बद्रीनाथ जी के कपाट बंद होने का पूरा प्रोसेस दिखाएंगे, ये भी दिखाएंगे कि कैसे पूरे विधि विधान से कपाट बंद किए जाते हैं। ये है कुबेर जी की डोली जो सबसे पहले निकली है, इसके बाद आई है उद्धव जी की डोली। कुबेर जी और उद्धव जी की डोलियां पहले दिन बामड़ी गांव में जाती हैं। बामड़ी गांव बद्रीनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर है। जब कुबेर जी और उद्धव जी की डोलियां बद्रीनाथ जी से चली जाती हैं, तो मां लक्ष्मी अपने मंदिर से निकलकर भगवान बद्री विशाल के पास आ जाती हैं। मान्यता के अनुसार उद्धव जी भगवान बद्री विशाल के बड़े भाई हैं। ऐसे में उद्धव जी मां लक्ष्मी जी के जेठ हुए। जैसा कि हम सब जानते हैं, सदियों से ये परंपरा चली आ रही है कि जेठ के सामने बहू नहीं पड़ती है, तो लक्ष्मी मां उद्धव जी की बहू हुई। इसीलिए मां लक्ष्मी की 6 महीने तक पूजा अलग मंदिर में की जाती है और उद्धव जी और बद्री विशाल जी की पूजा एक मंदिर में की जाती है। और जब कपाट बंद हो जाते हैं तो माँ लक्ष्मी और भगवान बद्री अकेले रहते हैं। डिनर करने के बाद वापस हम मंदिर गए। वहाँ पर उस टाइम कोई भी नहीं था। हम दोनों ने भगवान के चरणों पर उस सुकून के पल बिताए और बैठकर उनका ध्यान किया। आपको हमारी ये मद महेश्वर की सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से, आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। बाकी आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय बद्री विशाल।